नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। खबर है किशनगंज के खरखरी भरभरी से, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आखिरी दौरे आज के किशनगंज के सीमांचल में रहे, जहां खरखरी भरभरी के बाद वापस बागडोगरा के लिए रवाना हुए। बता दें आपको कि जहां सीमांचल अधिकार यात्रा के लिए चीफ AIMIM पार्टी के चीफ सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चौधामन भट्टाहाट एवं खरखरी पौवाखाली कई क्षेत्रों का दौरा किया, वहीं खरखरी भरभरी घाट में उतरकर पजामे ऊपर कर और नदी के विश्लेषण करते हुए वो चले वापस, सभा को संबोधित करते हुए चले गए वापस दिल्ली के लिए। मगर वहीं सांसद कई बड़े आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि चार विधायक चले जाने से पार्टी को क्षति हुई है, मगर अफसोस की बात है उन चारों विधायक प्रलोभन और लालच के चक्कर में गए हैं। वहीं उन्होंने बड़े आरोप लगाया, कहा कि RJD, भाजपा, कांग्रेस, इन्होंने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है, चुनाव आते ही इनकी समस्याएं का निवारण नहीं करते हैं। तो वहीं सीमांचल के खरखरी भरभरी में लोगों ने अपने बैनर लेकर असदुद्दीन ओवैसी का स्वागत किया और साथ साथ कहने लगे कि सर हमें पुल चाहिए, हमें कोई चीज़ की सुविधा हो ना हो पुल ज़रूर चाहिए। वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सभा को संबोधित के साथ साथ लोगों से बातें की और उन्होंने चारों विधायक पर जमकर टिकरा फोड़ा। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जो देश के नेशनल लीडर होने के बाद भी अपने पजामे को ऊपर किया और 2 किलोमीटर का पद यात्रा कर पहुंचे सीमांचल अधिकार यात्रा को लेकर खरखरी भरभरी चौक पहुंचकर वहां सभा को संबोधित की और साथ साथ उन्होंने जमकर भाजपा और कांग्रेस पर टिकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा से उठकर सीमांचल की लड़ाई लड़े, सीमांचल की विधि व्यवस्थाओं को लाया जा सके, सीमांचल के लोगों के साथ कैसे हित के लिए उनके लिए काम किया जाए, इनको लेकर उन्होंने जम्मू मीडिया से बात करते हुए ज्यादा निशाना। आइए सुनते हैं क्या कहा। आपके बच्चे रिजवान को आज दिन अपनी माँ से दूर क्यों रखा? अगर आपको मुसलमानों से मोहब्बत है तो फिर ये काया समझ से महाराजा सिंह के जो वाकयात हो रुकाई थी उसको वैशाली में एक मुस्लिम लड़की को गुलदास को पानी में डुबो डुबो कर मार दिया गया और आपका मुस्लिम विधायक वहां पर जाता नहीं है डरने के लिए डरकर। सर, उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की बात कही जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के ये मसले हैं, आप इन मसलों को हल करिए। रोज़ा हम रहते हैं 11 घंटे 11.5 घंटे, अब आप एक इफ्तार की दावत करेंगे, टोपी पहन लेंगे, टोपी आप अपने सर पर नहीं पहन रहे, मुसलमानों के सर पर टोपी पहनाने का काम आप लोग करते हैं। अरे 12 घंटे मैं रोज़ा रहता हूँ, हम आपको मुंह में खजूर डालें, ये क्या बात है? अरे भाई, जो बुनियादी बात है उस पर काम करिए ना। और तेजस्वी यादव को हम पूछना चाह रहे हैं, भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तो ये तक कह दिया कि मैंने अपने बेटा और बेटी को आगे भारत को बताइए, इनको डर है, आए इनका डर निकल आइए आप। सर, यूपी से मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की बात हो रही है। यूपी में जो बुलडोजर की जो सियासत हो रही है वो संविधान के खिलाफ हो रही है। सर, क्या राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए? राहुल गांधी एएमयू सेंटर को, वहाँ पर सिर्फ एएमयू सेंटर चल रहा है, एजुकेशन का बीएड बंद हो गया। और क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जो काम कांग्रेस नहीं करी आप करिए, चलिए दिखाइए अपनी मोहब्बत को सीमांचल से और ऐलान करिए कि एएमयू का सेंटर हम खोल रहे हैं। कौन रोक रहा है उनको रोकने से? तो ये तो एजुकेशन का मामला है ना, इसमें राजनीति क्यों होनी चाहिए? ज़्यादा से लड़ेंगे की मुश्किल और बढ़ाएंगे। अरे क्या भाई, हम इलेक्शन जो लड़ते हैं वो अपने लिए लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते हैं। वो सीमांचल की मुश्किलों में रोज इजाफा कर रहे हैं, आसमान तोड़कर डाल दिए सीमांचल की जनता। कई सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, अभी फिलहाल जो गोपालगंज जो चुनाव हुए वहाँ पर आपने जो वोट लिया उससे महागठबंधन के उम्मीदवार को हार मिल गई। कहा तो यही जा रहा है कि बीजेपी कहा तो ये भी जाता है ना कि किशनगंज की एक पार्लियामेंट की सीट हम लड़े तब भी बीजेपी नहीं जीती और पूरे माँ बाप की सीट पर बीजेपी जीत गई, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको कौन सी टीम बोलेंगे? सवाल ये है कि आप एक मुसलमान नेता को ही बदनाम करना चाहते हैं, मगर जब आप बीजेपी को नहीं हरा पाते तो आपके दूध के धुले हुए हैं, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। 6 MP बीजेपी जीत गई 2019 में और हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े हैं। 186 लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला हुआ है और कांग्रेस सिर्फ 16 सीट जीत पाई है। अब क्या हर एक का जिम्मेदार हमको खड़ा कर देंगे? अब कल सुबह में
गाय और भैंस दूध नहीं देंगी, नहीं वैसी सामने से गया था, मुर्गी अंडा नहीं देगी तो हम जिम्मेदार, अरे तुम में काबिलियत नहीं है मोदी को हराने की तो हम कहाँ के जिम्मेदार, तुम जिम्मेदार। आप जो अपना स्टैंड बदलते हैं, माने कपड़े जिस तरह बदलते हैं उस तरह बदलते हैं, कभी बीजेपी तो कभी राजद, तो आप जनता को क्या पैगाम दे रहे हैं? हम चुनाव लड़ेंगे और जो सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगा उनको हराएंगे और हम जीतेंगे, आप तैयार हो जाइए, हम खामोश नहीं बैठे। तेजस्वी यादव लगातार आपकी बागवानी उजाड़ने में लगा, तेजस्वी यादव आपकी बागवानी उजाड़ने में लगा है, कौन ने सजाया था तेजस्वी यादव? हाँ ये तो दौलत के बलबूते पर उन्होंने हमारे 4 MLA को खरीद लिया। अब आप देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार चले गई तो ये तमाम सेकुलर पार्टी के लोग इतना पुकार रहे हैं कि लोकतंत्र का मर्डर हो गया। अब यहाँ पर जो 4 MLA तुमने खरीद लिए दौलत के बलबूते पर, तो ये लोकतंत्र का कत्ल नहीं हुआ जाने तुम्हारा, और तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अख्तरुल ईमान एक नेता बन के उभर रहा है बिहार में, तो तुम उसको रोकना चाहते हैं, जो सीमांचल की जनता और बिहार की जनता तुमको बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हारा देखिए क्या, तुमने पैसा देकर उनको खरीद लिया, अब बताओ कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं? बड़े दावे करते हैं आप, भाई आप में और मोदी में तो कोई फर्क ही नहीं रहा, जो मोदी ने महाराष्ट्र में किया आपने बिहार में किया, तो आप दोनों की तो राम और श्याम की जोड़ी है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, कि आप हमारे कोई स्कूल के मास्टर नहीं है कि हम आपके फैसले पर सर झुका लेंगे। बातचीत होगी तो मान सम्मान से होनी चाहिए, अगर आप मान सम्मान से बातचीत करेंगे तो सब बातचीत होगी, अगर आप बोलेंगे नहीं मैं ही खड़ा हो जाऊंगा, मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ, अरे भाई साहब कभी आपने अपने गिरेबान में झांक कर भी देखा कि कितने छेद आपने सेकुलरिज्म के नाम पर मारे हैं? कभी वो भी तो देख लीजिए। नीतीश, KCR, ममता, इनमें से किसकी पहल आपको ठीक लगी? देखिए KCR ने तेलंगाना में काम किया, KCR ने तेलंगाना की जनता से जो वादे किए किसने तब उसको पूरा किया। तेलंगाना एक लैंड लॉक्ड एरिया है मगर देश का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम ग्रॉस के डोमेस्टिक प्रोडक्ट तेलंगाना का है। तेलंगाना में एक ज़माने में सबसे ज़्यादा पंप सेट इस्तेमाल किए जाते थे, आज तेलंगाना में सबसे सेकेंड हाइस्ट प्रोड्यूसर है तेलंगाना फिश का, लाखों एकड़ ज़मीन को उसमें पानी लेकर आया, तो उसने काम किया, उसके पास एक विज़न है KCR के पास। अब नहीं मालूम उस विज़न को कहां तक लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या देखिए क्या होता है, हम इस बारे में क्या बोले, आप कहां जा रहे हैं? हाँ हम समंदर के तूफान में अपनी कश्ती को लेकर चल रहे हैं, हाँ ये तूफान में हमारी कश्ती चल रही है और इंशाल्लाह ताला जरूर मंजिल मकसूद को पहुँचेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद सीमांचल आए हैं, फिर कब आएंगे? रमजान के बाद आएंगे, हम आए हम निया इसलिए थे क्योंकि ये जो 4 बेईमान थे जो दौलत के आगे अपने घुटने टेक दिए, अपना ईमान बेच दिए, इन्होंने हमको बोला कि सर ये प्रोग्राम कभी लगाएंगे, ये प्रोग्राम लगाएंगे, ऐसे ही उन्होंने टाइम पास कर दिया। मगर हम आएंगे और आप देख रहे हैं कि जनता में कितना गुस्सा है, आक्रोश है इन लोगों की इस धोखेबाजी पर, इन्होंने सीमांचल की जनता के पीठ पर खंजर भूखा है और इसकी जिम्मेदारी तेजस्वी और नीतीश कुमार पर आयद होती है। इसलिए बीजेपी से ज़्यादा इस बार आप तेजस्वी नीतीश नहीं, हम सबको बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं ज़्यादा हमने आपका नहीं नहीं हम सबको बोल रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि सीमांचल से सीमांचल की लीडरशिप को उभरता हुआ ना मोदी पसंद करते हैं, ना नीतीश कुमार, ना तेजस्वी। मगर इसे आपकी कमजोर होती पकड़ के तौर पर क्यों ना देखा जाए, जो 4 लोग निकल गए आपके हाथ से? कमजोर आप समझ रहे होंगे, आप देख लीजिए ये 4 का क्या नतीजा निकलेगा और इन पार्टी का क्या नतीजा निकलेगा, अभी तो आगे है ना घोड़ा मैदान, 24 आइंदा साल है, फिर 25 है। जो धोखा देकर भाग जाता है जनता को, वो खुद कमजोर होके पड़ा है, अब उनको कोई पूछता भी नहीं है उन बेचारों को। पैसे दिए गए थे? नहीं नहीं इनको तो बहुत मले ही दी गई थी, लालच दिया गया, दौलत है ना सत्ता में, ठीक है सर।